स्वागत है आप सभी का NH352A की अपडेट नंबर 5 में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जिंद गोहाना सेक्शन की अपडेट ऑलमोस्ट 7 महीनों के बाद में। ये सेक्शन है 40.1 किलोमीटर का, जो पूरा ग्रीनफील्ड है। इस सेक्शन पर काम करने वाली कंपनी है ब्रिज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ये सेक्शन स्टार्ट होता है जिंद साइड में NH352 से। इसमें ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे और दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के साथ में इंटरचेंज बनाया जाएगा। एंडिंग होती है इस सेक्शन की गोहाना साइड में NH709 पर जाके। चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये है सामने की साइड में NH352, जिसको आप जिंद बाईपास भी कह सकते हो। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट जिंद गोहाना सेक्शन का। स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर बनाया जा रहा है ट्रम्पेट इंटरचेंज। यहां पर काफी अर्थवर्क बाकी है। एनएच के ऊपर यहां पे दोनों साइड में डेक स्लैब का काम पिछली अपडेट में ही हो गया था। लेफ्ट साइड में यहां पे जो एंट्री के लिए रैंप होगा, उसके लिए स्टार्टिंग में अर्थवर्क का काम बाकी है। सेम राइट साइड में एग्जिट के रैंप के ऊपर भी। आगे की साइड में मेन कैरिजवे के ऊपर सबग्रेड की लेयर का काम है और क्रैश बैरियर्स को लगाया जा रहा है। पिछली अपडेट तक यहां पे अर्थवर्क का काम था। अब यहां से आगे की साइड में तकरीबन 3.5 किलोमीटर तक दोनों साइड में डीबीएम की लेयर का काम हो चुका है। तो रेलवे लाइन से पहले यहां तक हो चुका है डीबीएम का काम। आगे की साइड में अर्थवर्क का काम बाकी है। रेलवे लाइन के दोनों साइड के पियर्स रेडी हो चुके हैं विथ कैप। एक एक स्पैन में डेक स्लैब का काम भी हो गया है। पिछली अपडेट तक यहां पे पियर्स ही रेडी किए जा रहे थे। रेलवे लाइन से आगे की साइड में भी अर्थवर्क का काम ही किया जा रहा है, जो पिछली अपडेट तक बंद था। यहां से आगे की तरफ तकरीबन 8 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जहां पे दोनों साइड में डीबीएम का काम हो चुका है और जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं उनके ऊपर बाकी है। बाकी यहां पे आपको मेन कैरिजवे के साइड में सर्विस रोड भी देखने को मिलेगी कहीं कहीं पे। तो ये देख सकते हो इस लाइट वीयूपी के ऊपर डीबीएम का काम नहीं हुआ है। आगे की तरफ ये एक छोटा सा पैच और है जहां पे डीबीएम का काम होना है। सबग्रेड की लेयर का काम तो हो चुका है। ये आ जाता है सामने की तरफ ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे। यहां पे इन दोनों एक्सप्रेसवे के बीच में बनाया गया है इंटरचेंज। ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे के मेन कैरिजवे और यहां पे इंटरचेंज के स्ट्रक्चर के बीच में डीबीएम का काम हो गया है, जो पिछली अपडेट तक नहीं हुआ था।
ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे के बाद में यहाँ पे आ जाता है टोल प्लाजा। टोल प्लाजा वाले एरिया में रिजिड पेवमेंट का काम तो पिछली अपडेट में ही हो गया था, टोल प्लाजा के स्ट्रक्चर का काम बाकी था जो इस बार ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। और अब यहां से आगे की साइड में ऑलमोस्ट गोहाना तक डीबीएम का काम हो चुका है और कहीं कहीं पे पेवमेंट का काम भी किया जा रहा है यानी फाइनल लेयर का। तो ये है वो पीछे का एरिया जहां से मैं अभी ड्राइव करके आया हूं। आगे की साइड में यहां पे अर्थवर्क पूरा है। यहां कैनाल के ऊपर दोनों साइड में डेक स्लैब का काम हो चुका है, पिछली अपडेट तक सिर्फ पियर ही रेडी हुए थे। आगे की साइड में ये एक छोटा सा हिस्सा रह गया है जहां पे अर्थवर्क का काम बाकी है। यहां दूसरी कैनाल के ऊपर भी दोनों साइड में डेक स्लैब का काम हो गया है जो पिछली अपडेट तक नहीं हुआ था। अब यहां से बस थोड़ा सा ही आगे की साइड में रह गया है इंटरचेंज जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के साथ में बनाया जा रहा है। तो लेफ्ट साइड में ये है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। कैनाल से आगे की साइड में आने के बाद दोनों साइड में हो चुका है पेवमेंट का काम, पिछली अपडेट तक यहां पे डीबीएम का काम था। ये आ जाता है इंटरचेंज के लिए जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है वो, यहां पे काम किया जा रहा है डेक स्लैब का। और ये आ जाता है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का मेन अलाइनमेंट, यहां पे भी डेक स्लैब का काम किया जा रहा है, पिछली अपडेट तक पियर यहां पे पूरी तरीके से रेडी नहीं हुए थे। और इन दोनों एक्सप्रेसवे के बीच में बनाया जा रहा है डबल ट्रम्पेट इंटरचेंज, तो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की साइड के लूप्स के ऊपर यहां तक हो चुका है डीबीएम का काम। टोल प्लाजा वाले एरिया में रिजिड पेवमेंट का काम हो चुका है, इस साइड में अर्थवर्क का काम बाकी है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके गाइज, अब मैं आ चुका हूँ गोहाना के पास में। तो गोहाना के पास में ड्रेन नंबर 8 के ऊपर दोनों साइड में हो चुका है डेक स्लैब का काम जो पिछली अपडेट तक नहीं हुआ था। आगे की साइड में अर्थवर्क पूरा है और मैक्सिमम एरिया में डीबीएम का काम हो चुका है दोनों तरफ जो मेजरली पिछली अपडेट में ही हो गया था। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के ऊपर डीबीएम का काम बाकी है। यहाँ ड्रेन के ऊपर भी दोनों साइड में डेक स्लैब का काम हो गया है जो पिछली अपडेट में किया जा रहा था। आगे की तरफ यहाँ पे आ जाती है रेलवे लाइन, तो रेलवे लाइन के दोनों तरफ के पियर्स तो पिछली अपडेट में ही रेडी हो गए थे। इस बार यहाँ पे दोनों साइड में एक एक स्पैन में डेक स्लैब का काम हो गया है, आगे की साइड में अर्थवर्क का काम है। और यहां से आगे की साइड में NH 709 तक डीबीएम का काम हो चुका है। तो सामने की साइड में आ जाता है एंडिंग पॉइंट इस सेक्शन का।
एनएच के ऊपर पिछली अपडेट में ही हो गया था डेक्स लैब का काम, आगे की साइड में ट्रम्पेट इंटरचेंज के ऊपर सबग्रेड की लेयर का काम है, जहां पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम था। यहां पे एनएच के साइड में काम बाकी है। यह सेक्शन एंड होता है गोहाना के नॉर्थ में एनएच 709 पर। एनएच 352 ए के गोहाना सोनीपत सेक्शन पर जाने के लिए आपको एनएच 709 पर 4 किलोमीटर ड्राइव करनी होगी, तब आएगा गोहाना सोनीपत सेक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट। इस सेक्शन की अपडेट आएगी नेक्स्ट वीडियो में। अब जिंद गोहाना सेक्शन की प्रोग्रेस देखी जाए तो 7 महीनों में डिसेंट स्पीड से काम हुआ है। अभी मेजर काम बाकी है दोनों साइड के इंटरचेंज का, दोनों आरओबी का। इन सब के अलावा पेवमेंट की लेयर की प्रोग्रेस ज्यादा नहीं है। मेटल बीम क्रैश बैरियर लगाने का काम भी काफी हो गया है और अभी भी काफी बाकी है। लेन मार्किंग का काम कहीं पे भी शुरू नहीं हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग ये सेक्शन पूरी तरीके से इस साल के एंड में जाके ही रेडी हो पाएगा। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट करना ना भूलें। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।